रहीमिया खान में छुट्टी के रोज खेल के मैदान नौजवानों से भर गए। नौजवान खिलाड़ी ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट से लुत्फानंदोज हुए। नौजवान पाक और भारत टाकरे में अपनी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद भी हैं। आमिर रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। छुट्टी का रोज आते ही रहीम यार खान के नौजवान ग्राउंड्स का रुख कर लेते हैं। कोई छक्का लगाने पर खुद को फखर जमा समझता है तो कोई बूम बूम। अच्छे बॉलर्स भी विकेट लेने पर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। नौजवानों का कहना था कि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है जिसको खूब इंजॉय करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया का पहले टाकरे में जीत नसीब नहीं हुई, मगर अब दूसरे टाकरे में ग्रीन शर्ट ही जीतेगी। यहाँ पर हम सारा दिन, बस हफ्ते में एक दिन होता है खेलने के लिए, संडे का दिन होता है। आज संडे का दिन है, हम सारे दोस्तों के साथ आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। नौजवान खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी टीम की जीत के लिए दुआगो भी हैं। चैंपियन ट्रॉफी की तरह एशिया कप ट्रॉफी भी ग्रीन शर्ट्स का मुकद्दर होगी। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।